बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से हमारे नुमाइंदा सैयद जावेद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर खुदाई रहीम ने इलाकाई जमींदारों और खाद डीलरों के नुमाइंदा इजलास की सदारत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर जारुल्ला काकड़, मलिक रफीक सेलाची, मीर शहदाद मरी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुलाम मुस्तफ़ा, सैयद मजहर अली शाह, PS2 डिप्टी कमिश्नर फहीम अहमद कुरैशी, यार मोहम्मद बंगलजई, अहमद खान लूनी, मलिक फ़कीर मोहम्मद मुरगजानी, खाद डीलर एन शाह, दलीप कुमार, मेहर चंद के अलावा ज़मींदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर खुदाई रहीम ने कहा है कि खाद डीलर हजरात ज़मींदारों को बर वक्त खाद और सेड की फराहमी को यकीनी बनाएँ ताकि इलाकाई ज़मींदार बर वक्त गंदम की काश की बवाई कर सके। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुलाम मुस्तफ़ा ने शुरका इजलास को बताया कि सिब्बी में महकमा ज़रात के पास 10 रजिस्टर्ड खाद डीलर मौजूद हैं जो कि महकमा ज़रात से तस्दीक के बाद ज़मींदारों को खाद और बीज फराहम कर रहे हैं। ज़मींदार एक्शन कमेटी के मेंबरान ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि खाद डीलर हजरात ज़मींदारों को बर वक्त खाद और बीज फराहम नहीं करते हैं जबकि ज़मींदारों को ब्लैक मार्केट से महंगे दामों खाद खरीदना पड़ती है। डीलर हजरात अन रजिस्टर्ड लोगों को खाद और बीज फरोख्त करते हैं जो कि महंगे दामों ज़मींदारों को फरोख्त करते हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए डीलर हजरात से कहा कि सिर्फ रजिस्टर्ड ज़मींदारों को जो है वो सरकारी निर्ख के मुताबिक खाद और बीज फराहम किया जाए। अगर कोई डीलर ब्लैक में खाद और बीज फरोख्त करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा जबकि जुर्माना भी किया जाएगा। खाद डीलर हजरात ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि सिंध पुलिस बलूचिस्तान आने वाले खाद के ट्रकों को रोक लेते हैं और ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स बलूचिस्तान के लिए खाद का लोड नहीं उठाते हैं। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।